Hi, Rakesh from Glitz Vision. We are here on the sets of Krishnadasi and we have with us Shravan and Sana. Welcome Shravan and Sana and Glitz Vision. Thank you. How was your working experience till Krishnadasi? It's been great till now. We're waiting for very good ratings because as of now, our show is still in steady pickup, word of mouth publicity से भी है and जितने लोग मिलते हैं कहते तो हैं कि बहुत पसंद आ रहा है हमें, बहुत different show है and अगर आप लोग इसी तरह से इसे पसंद करेंगे और हमारी ratings बढ़ाने में help करेंगे तो we'll maintain this quality, otherwise we'll go some other way. शो तो अच्छा ही है, सना तो ऐसे मजाक कर रही है, बट वी बिलीव बिकॉज काफ़ी स्टडीली इसके टीआरपीज जो है इंक्रीज हो रहा है. सो बिकॉज हम जानते हैं कि जो स्लॉट है इट्स अ लिटिल पोस्ट प्राइम, आई मीन सो वी नो दैट इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू कंटेन वन आवर शो, स्पेशली जो ऑडियंस को जो कंटेन करना होता है, बट कॉन्टेंट जो है काफ़ी यू नो बिलीव करके प्रोडक्शन चैनल प्रोजेक्ट. सो वी जस्ट होपिंग कि बिग प्लेटफॉर्म लाइक कलर्स ग्रेट रीच. We're just hoping people will keep liking it and keep watching and more viewers, you know, keep adding to the whole number. How is your experience working with you so far? Sana, great, fabulous. And I get goosebumps when I do a Suna scene with her. I mean, I used to shiver initially, now I've calmed down and I'm feeling much better now because she calms me down and now I'm at ease whenever I do a scene with her now, but otherwise it was really difficult initially. So I make you feel comfortable and all, huh? Yeah, she makes me feel really comfortable. How is your experience working with Shravan? Shravan's been very, very cooperative and बहुत हार्ड वर्किंग लड़का है, बहुत अपने लाइन्स पे ध्यान देता है, कभी कभी बहुत क्यूट ग्रामर मिस्टेक्स करता है हिंदी में जिससे थोड़ी सी हंसी आ जाती है, लेकिन उसे बुरा नहीं लगता थैंकफुली. और बहुत अच्छा लड़का है, मतलब एक्टिंग वाइज ही टेक्स केयर ऑफ हिज परफॉर्मेंस, हिज लाइन्स, हिज कैरेक्टर, हिज बॉडी लैंग्वेज स्पेशली. बॉडी लैंग्वेज पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं हम टेलीविजन पर स्पेशली, बिकॉज हमें लगता है कि हम हीरो हैं, हम हीरोइन हैं, तो हम एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं. वो टिपिकल हीरो इमेज लेके नहीं चल रहा है कि मुझे ऐसे चलना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे बोलना है. वो अपने कैरेक्टर पर उसने ध्यान इसलिए भी दिया है बिकॉज वो एक गुंडे का पोता बना हुआ है, एक जिनका मुंडा राज चलता है कृष्णावती में, उनका पोता बना हुआ है. तो एक टिपिकल हीरो बनने की जगह उसने वो मैनरिज्म्स भी अपनाए हैं बीइंग अ हीरो. तो आई थिंक ये सब बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं जो एक एक्टर को ध्यान रखनी चाहिए, एंड आई थिंक इज टेकिंग केयर ऑफ इट वेरी वेल. यू हैव वर्क्ड इन बॉलीवुड एज वेल एज नाउ टेलीविजन, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड? आई डोंट नो, आई हैव नॉट वर्क मच, यू नो. या मुझे नहीं पता ये बात. नहीं, मैंने सिंघम में एक छोटा सा रोल किया था, और सिंघम टेबल नंबर 21 एक मूवी आई थी, उसमें मैंने एज अ पार्ट था. बस ये दो ही मूवीज किया है. डिफरेंस क्या है मुझे इतना कुछ नहीं पता, बिकॉज उसमें भी ऑडिशन देना पड़ा, इस समय भी हम ऑडिशन देते हैं टीवी में उसमें, लेकिन इतना है कि आई डोंट नो, आई कांट सी मच बिकॉज मैं इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ फिल्मों को लेकर. हाँ, लेकिन एक ऑल टुगेदर डिफरेंट स्ट्रगल है वहाँ पर. अगर हम चाहें कि हम टीवी छोड़कर फिल्मों में स्ट्रगल करें तो वह स्क्रैच से शुरू होगा, ए बी सी डी शुरुआत से करनी होगी. यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत हमारा नाम है, थोड़ा बहुत हमारे प्रोडक्शन हाउसेज में इनर सर्कल में लोग जानते हैं, तो हमें बुला लेते हैं या नाम से पहचानते हैं. वहाँ पर शायद कोई नाम से ना जाने, तो हमें बहुत नए सिरे से शुरुआत करनी होगी. इसलिए मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि आगे चल के भी कुछ कैरेक्टर्स फिल्मों में उठाऊँ या कुछ करूँ या बहन बनूँ, फ्रेंड बनूँ, कुछ बनूँ, क्योंकि वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट मीडियम मुझे लगता है. So it's quite different that ways, but I can't, I'm not the right person to comment on this because मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं फिल्मों में नहीं किया. So आपको कुछ interest है Bollywood? किसको interest नहीं होगी फिल्म फिल्में करने की? फिलहाल टीवी कर रहा है, टीवी पे ध्यान दे रहा हूँ, जब करना हो फिल्में तो ज़रूर करना चाहूँगा, हर कोई करना चाहता है. हमारा एक्टर who is the greatest prankster in this show? Prankster. I think Uday sir, he's not a prankster, but he's very, to his age, he's still very young at heart and very chilled out. He's very quirky and Very quirky and very cooperative with, you know, young actors like us. Yes, yes. Generally, उस उम्र में क्या हो जाती है कि they, you know, tend to get चिड़चिड़ाहट हो जाती, but he's very very वो teacher qualities उनके अंदर बहुत है, बहुत patience है उनके अंदर. कई बार we take things for granted. Generally, you know, at this age, you're very restless. कई बार तुम मार्क पे तुम जानते हो, भले थोड़ा काम करने वाला हम जानते हैं मार्क क्या है, फिर भी वो एक ठहराव नहीं होती. कई बार वी गेट वेरी रेस्टलेस, मूव अराउंड, छोटे ऐसे बोलते हैं.
What is the one thing you like about Sana and dislike about Sana? Dislike about Sana and what I like about Sana? Like I would say is, she's initially I met her for the first time in the show, so I had no image otherwise. She's very sweet, no air about her, there's no attitude at all. She's very, very simple at heart and the way she is, the way she behaves. So that's a very, basically, you know, dusre actor ko na bahut jo comforting wali feelings hoti hai and you feel really comfortable when you're performing in front of the camera. You don't think too much, you just do it. You don't think ki isko shayad ye kaise react karegi. So you do, even if it's a mistake, then you think, okay, I'll do it another time, one more time. कई एक्टर्स के साथ जब अगर कंफर्ट लेवल नहीं होती क्या हो जाता है कि यू एक्सप्लोर जो एज एन एक्टर एट दैट मोमेंट यू एक्सप्लोर करने वाली बातें होती है तो उसमें काफ़ी रेस्ट्रिक्शन आ जाती है बिकॉज यू डोंट नो हाउ द एक्टर वुड रिएक्ट द यू को एक्टर. सो सना के साथ मुझे वो कभी प्रॉब्लम हुई नहीं तो इन दैट वे शी इज़ बीन रियली रियली कोऑपरेटिव एंड अदरवाइज ऑल्सो शी इज़ वेरी चिल्ड आउट एंड आई फाइंड एक्चुअली शी इज़ वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी शी डजंट टेक हरसेल्फ वेरी सीरियसली शी इज़ वेरी सिंपल एट हार्ट. दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट शी. Do you like more romantic or comedy or what type of? There's nothing genre ऐसा कुछ नहीं है. इससे पहले भी मतलब मैंने पिछले शो में भी आया जो thought I would be a very quirky would be doing a very quirky little got a sense of humor throughout every scenario of life. इस तरह की character मैंने किया है. As an actor you would like to explore it. So मैं ज़्यादा उसके बारे में सोचूंगा नहीं. क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं थोड़ा सा कॉमेडी का वेरी लाइट हार्टेड स्टफ कर सकता हूँ. उससे पहले मैंने हमेशा ड्रामा सीरियस ड्रामा किया. सो आई वुड जस्ट लाइक टू वेट फॉर इट एंड सी. मैसेज टू योर फ्रेंड्स, कीप वाचिंग कृष्णदासी. हमें पसंद कीजिए, हमारी जोड़ी को पसंद कीजिए, हमारे बाकी सारे कैरेक्टर्स को पसंद कीजिए, हमारे शो को देखिए बराबर 10:30 कलर्स पे. यस प्लीज वॉच कृष्णदासी एंड शी इज बिजी, शी हैज टू गो फॉर अ शो. या आई हैव टू गो. बाय.